नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने जो नियम पढ़े वो नियम 1 से लेकर 8 तक, जो कि परिचय पढ़ा, उसके बाद परिभाषाएं पढ़ी। अब हम अध्याय 3 की ओर आते हैं, सेवा की सामान्य शर्तें, जो कि नियम नंबर 8। यहां से हम शुरू करेंगे। दोस्तों, नियम नंबर 8 है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, प्रोबेशनर ट्रेनिंग। वित्त विभाग की अधिसूचना 13 मार्च 2006 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम में यह नियम जोड़ा गया, जो दिनांक 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ, यानी कि इस नियम को बैक डेट से लागू किया गया है। राजस्थान सरकार में दिनांक 20 जनवरी 2006 या इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्ति अगर हुई, यानी कि नियुक्त कर्मचारी प्रारंभ में 2 वर्ष अथवा बढ़ी हुई अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी माने जाएंगे। इस अवधि में कर्मचारी को नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा और इस अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसके वेतन मान में न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि वेतन वृद्धि के लिए गणना में सम्मिलित नहीं होगी। यहां पर नोट करने वाली बात है, इस अवधि में कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं होगा, परंतु मातृत्व व पितृत्व अवकाश कर्मचारी को दिया जाएगा। इसी नियम को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, नियम नंबर 8 के अंदर ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। यहां पर नोट करने वाली बात है, ऐसे कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष की सेवा पर 15 दिन का CL आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा और यह अवकाश अवकाश की परिभाषा में नहीं है, यानी कि इसको कर्तव्य या ड्यूटी का भाग माना जाएगा। इसमें वेतन मिलता है, इस अवकाश में आपको CL के अंदर वेतन मिलेगा। और नोट करने वाली बात है, इस अवधि में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के भत्ते, जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नहीं दिए जाएंगे। और परिवीक्षाधीन ये जो शब्द हैं, उसको दिनांक 13 सितंबर 2014 के नोटिफिकेशन के द्वारा नियम में परिवीक्षाधीन भी जोड़ा गया। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति राज्य सेवा के प्रारंभिक पद से उच्च पद पर सीधी भर्ती हो और भर्ती के विज्ञापन में अनुभव की शर्त भी हो, क्या विज्ञापन में अनुभव की शर्त भी हो, तो उनको 1 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन माना जाएगा। तो ये था हमारा नियम नंबर 8। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 8A। दोस्तों, नियम नंबर 8A प्रथम नियुक्ति पर आयु। जब तक किसी सेवा या नियमों में कोई पृथक आयु निर्धारित नहीं हो, तब तक राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होगी और अधिकतम आयु 40 वर्ष। यहां नोट करने वाली बात है, यदि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है तो उसे किसी ऐसे पद पर नहीं लगाया जाएगा जहां प्रतिभूति ली जाती हो। अधिकतम आयु सीमा निम्न मामलों में छूट दी गई है, जैसे कि महिला कर्मचारी के मामले में 5 वर्ष, SC ST OBC के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और SC ST OBC महिला के मामले में 10 वर्ष, और सैनिक सेवा में सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु जो है वो 50 वर्ष निर्धारित है। दोस्तों, नियम नंबर 8A प्रथम नियुक्ति पर आयु, उसी नियम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे क्या कहता है ये नियम, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छूट ली गई है तो प्रमाण वेतन बिल के साथ प्रमाण पत्र की प्रति कोषाधार को भेजी जाएगी और कोषाधिकारी द्वारा भी उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जहां सेकेंडरी परीक्षा से कम पद पर नियुक्ति दी गई है, उस स्थिति में विद्यालय, नगरपालिका या पंचायत इत्यादि का जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि किसी कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म दिनांक याद नहीं हो तो उसकी जन्म आयु का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए, यदि वर्ष याद हो तो कर्मचारी की आयु 1 जुलाई से मानी जाएगी, ठीक है। यदि वर्ष व माह दोनों पता हो तब उस वर्ष में बताए गए माह की 16 तारीख मानी जाएगी। यदि केवल अनुमानित आयु याद हो तो नियुक्ति दिनांक को उतनी आयु का मानते हुए जन्म दिनांक निर्धारित की जाएगी। देखिए, यहां पर 3 कंडीशन है, यदि वर्ष याद हो तो कर्मचारी की जो आयु है वो 1 जुलाई से मानी जाएगी, यदि वर्ष माह दोनों पता हो तब उस वर्ष में बताए गए माह की 16 तारीख मानी जाएगी जन्म दिनांक, यदि केवल अनुमानित आयु याद हो
तो नियुक्ति दिनांक को उतनी आयु का मानते हुए जन्म दिनांक निर्धारित की जाएगी, ठीक है। और नियम नंबर 9, नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। राज्य सरकार की सेवा में, सभी प्रकार की सेवा में, सभी प्रकार की नियुक्ति में जब तक छूट नहीं दी गई हो, कर्मचारी को एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यह अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र एक पार्ट टाइम कर्मचारी से भी लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ये, नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये कंपलसरी है, जो कि हर कर्मचारी को प्रस्तुत करना होता है। और नियम नंबर 10 है, नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसी नियम में नवीन नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए जाने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप जारी किया गया है।